देखिए अभी ES6 में जो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पलेट लिटरल्स करके हैं। टेम्पलेट लिटरल समझते हैं। देखिए इट प्रोवाइड एन इजी वे टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड परफॉर्म स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। टेम्पलेट लिटरल आर द स्ट्रिंग लिटरल एंड अलाउ एम्बेडेड एक्सप्रेशन। इसको समझते हैं। एक सिंपल सा फाइल पहले बनाता हूँ, text.html है। अब एग्जाम्पल के लिए ना पहले ये वाला देखते हैं। अगर भैर ए में मैंने 20 रखा और भैर मैसेज MSG में मुझे तीन चीज़ें अगर प्रिंट करना है, जैसे li, उसके बाद वेरिएबल, तो नॉर्मली क्या करना पड़ता है ना, हमें प्लस लगाना पड़ता है। प्लस ए फिर प्लस li क्लोज। अब इसको अगर मैं अलर्ट करके देखूं, आ रहा है ये। तो ये मल्टी लाइन जो है ना, जैसे कोई कोई एक अलग अलग लाइन में ऐसे लिखते हैं, इसलिए मल्टी लाइन का सेंस हो गया ये, कि पहला ये हो गया है ना स्ट्रिंग, फिर ये दूसरा वेरिएबल, फिर ये स्ट्रिंग, तो तीनों अलग अलग एक ही लाइन में जोड़ा हुआ है। अब टेम्पलेट लिटरल क्या कहता है कि ऐसे ना करके आप डायरेक्ट बैक टिक के साथ, यहाँ देखिए इसका मेन चीज़ है बैक टिक्स। तो बैक टिक्स होता है जो हमारा कीबोर्ड में नंबर वन जो लिखा होता है ना उसके लेफ्ट साइड में इधर, तो बैक टिक डाला मैंने, बैक टिक लगाया। उसके बाद जो हमें आउटपुट करवाना है वो डाला। अब जो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल या एक्सप्रेशन का रूल क्या होता है कि डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे, यहाँ लिखा होगा। देखिए टेम्पलेट लिटरल कैन कंटेन प्लेस होल्डर विच आर इंडिकेटेड बाय द डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। डॉलर के अंदर कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाया है हमने, तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मतलब सेम पर्पस है, ये बैकटिक के साथ आ गया। अब इसको अलर्ट करके मैं चेक करूँ तब भी उसी टाइप से दिखाएगा। देखिए LI20। अब यहाँ कोई एक्सप्रेशन का काम होता है, जैसे 5 + 10 तभी ये काम करता है। 15 आएगा अंदर, LI के अंदर आ रहे हैं। तो टेम्पलेट लिटरल मतलब बैकटिक के अंदर जो हम डालेंगे स्ट्रिंग, मल्टी लाइन आ करके एक ही लाइन के अंदर, और एक्सप्रेशन हो तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो यूज करेंगे। यही है सिंपल टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग टॉपिक है, इसको भी समझते हैं। डी स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनटू सिंपलर पार्ट। इजीली समझते हैं ऐसे कि सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको हटाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, अब मुझे ये फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट की या लास्ट की। तो नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि भैर फर्स्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसका की। अब अलर्ट करके देखेंगे, अरे अब सोचिए ये 500 अगर होता, ऑब्जेक्ट में 500 चीज़ें हैं, अब क्या हमें सबको अलग अलग लिखना, ये हमेशा टाइम टेकन होता है। तो डी स्ट्रक्चरिंग आ गया। तो डी स्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स क्या कहता है कि डायरेक्ट इस तरीके से देखें, ये तो ट्रेडिशनल टेक्निक हो गया। अब डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहता है कि कॉन्स्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, और सेम नाम बिल्कुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट में, तभी ना इस वेरिएबल के अंदर अपने आप ये वाला आ जाएगा। देखिए कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट कॉमा सेकेंड,
अब ये लिखने का पर्पस है कि ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो सेंस में, फर्स्ट कॉमा नेम नहीं लास्ट इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट में जाएगा और जिसका की फर्स्ट होगा वो इसमें डाल देगा। तो पहले जो मैंने नहीं लिखा था कि पर्सन डॉट जैसे इस तरीके से कॉन्स्ट फर्स्ट इक्वल टू पर्सन डॉट फर्स्ट कॉन्स्ट लास्ट इक्वल टू पर्सन डॉट लास्ट। तो ऐसे ये दो लाइन आ करके ये एक ही में काम हो गया। अब यहाँ दो है ना तो दो करना पड़ा, अगर 20-30 होता तो ये तो 20-30 बार लिखना पड़ता, बट यहाँ नहीं, यहाँ बस जो जो अंदर का नाम है, जैसे ABC अगर नाम है तो ABC, कुछ और नाम है तो कुछ और, मतलब कि यहीं से काम हो जा रहा है। वो अपने आप जो जो यहाँ वेरिएबल है उसका की निकाल कर उसमें डाल देगा वैल्यू। तो यही है डी स्ट्रक्चरिंग। कर्ली ब्रेसेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वल इज नॉट अ ब्लॉक, मतलब ये देखने से ब्लॉक लगता है बट वो ब्लॉक नहीं है, इट्स अ न्यू डी स्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स। कंसोल या अलर्ट करके हम देख भी सकते हैं, अलर्ट करके देखता हूँ मैं कि फर्स्ट में क्या आना चाहिए। रोहन आ रहा है। तो डी स्ट्रक्चरिंग सिंपल यही है कि ऑब्जेक्ट में से जो जो हमारे पास कीज का जो वैल्यू है उसको एक ही बार एक्सेस कर सकते हैं हम इस सिंटेक्स से। नेक्स्ट में आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है देखिए, एक तो तीन डॉट्स लगा होता है उसमें, थ्री डॉट्स। इट अलाउ एन एड इटरेबल टू एक्सपेंड इन प्लेस वेयर मोर देन 0 आर्गूमेंट आर एक्सपेक्टेड। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जिसका जैसे ये एरे है ना, एरे में एलिमेंट 1 2 3, इस एरे में क्या है 4 5 6 अलग अलग वैल्यू है। तो अगर हमें दोनों को मर्ज करना होता है ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट तरीके से, तो पहला एरे का नाम और कौन कैट लिखकर दूसरा एरे का नाम, तो इसमें मर्ज हो जाएगा दोनों आ जाएगा। और ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थ्री डॉट के साथ पहला एरे का नाम फिर थ्री डॉट के साथ दूसरा एरे का नाम कंबाइंड कर दिया। तो इसे फ़ायदा नीचे यहाँ पे समझ आएगा, अभी यहाँ तो लग रहा है कि उसी कौन कैट हट कर थ्री डॉट आ गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए अब इसका बेनिफिट इस तरीके से है कि जैसे ये पहला एरे हो गया, अब मुझे पहला एरे के बाद में कुछ एलिमेंट और जोड़ना है, तो जैसे ए बी जोड़ा, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकेंड एरे डालना है, फिर उसके बाद भी मुझे एलिमेंट जोड़ना है, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया ना। ये उसमें क्या था कि देखिए फर्स्ट कॉन्केट सेकेंड, बस कोई आगे पीछे जोड़ने का ऐसा सिंटेक्स नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे है कि जो एरे आपको चाहिए वो लगाइए, फिर जो एलिमेंट आपको चाहिए वो डालिए, और फिर कोई एरे है तो वो भी डालिए, फिर एलिमेंट, मतलब एरे एलिमेंट ऐसे हमारी चॉइस है कि हम मर्ज करने के साथ साथ हम कुछ और भी डाल पाएंगे इसमें। तो यही है स्प्रेड ऑपरेटर का पर्पस। अब ये एग्जांपल क्या कहता है कि जैसे कॉन्स फर्स्ट में 1 2 3 है, मतलब ये फर्स्ट एरे में ये वैल्यू है, और कॉन्स्ट हेलो में अगर हमने ट्रिपल डॉट फर्स्ट लगा दिया, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर के साथ फर्स्ट को यहाँ ला दिया, तो ये पूरी वैल्यू कॉपी होकर हेलो में आ जाता है कि ये जो एरे में जो भी वैल्यू था वो यहाँ आया और वो कहाँ डल गया हेलो के अंदर। तो हेयर इट कॉपीज फर्स्ट एरे ऑल आइटम इन स्टोर टू अ न्यू एरे कॉपी करके। तो मेन जो समझने वाला जो लाइन है यही है कि पहले था कि फर्स्ट एरे कॉन्केट सेकेंड एरे, अब मुझे दोनों एरे के बीच में कुछ डालना है तो इजी नहीं था है ना, बट इसमें इजी है कि एरे का लिखिए, फर्स्ट
और जिसके आगे पीछे जो भी वैल्यू लगाना है वो लगा सकते हैं। अभी फाइनल जो बनेगा वो एक ये भी एरे ही है, बट उसके साथ कौन सा एरे एलिमेंट सब कहाँ कहाँ चाहिए हमने ये कंबाइंड करके निकाल लिया। तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर। अब आते हैं रेस्ट पैरामीटर में, कि रेस्ट पैरामीटर क्या है। इट इम्प्रूव द एबिलिटी टू हैंडल पैरामीटर। द रेस्ट पैरामीटर अलाउ अस टू रिप्रेजेंट इन इनडिफिनिट नंबर ऑफ आर्गूमेंट एज एन एरे। तो यहाँ तक भी समझते हैं कि पहले क्या होता था ना, हमने ये पता है कि फंक्शन जब हम लिखते थे, जैसे फंक्शन लिखा सम नाम से, तो मुझे जितना आर्गूमेंट लेना है यहाँ बताना पड़ता था कि ए कॉमा बी। अब दो आर्गुमेंट लेकर जो हमें काम करना है यहाँ करते थे। तो रेस्ट पैरामीटर में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या दे दिया हुआ है कि ये देखिए ट्रिपल डॉट तो आर्गुमेंट ये कोई भी नाम, तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा ना कि ये एंडलेस है, मतलब इनडिफिनिट बोलते हैं कि जितना भी हम आर्गुमेंट भेज सकते हैं इस एरे को। ऐसे लिखने से तो फिक्स है कि दो ही चाहिए, ए या बी। और अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ ट्रिपल डॉट, अब कोई भी नाम जैसे ए या कोई भी आर्ग्स, तो इसका मतलब ये है ना कि इस फंक्शन को जो भी कॉल कर रहा है वो इसमें जितना भी पैरामीटर भेज सकता है। तो ऐसे पता करते हैं, ये फंक्शन का टेस्ट करिए। ये फंक्शन हमारा है सो नाम से और ट्रिपल डॉट आर्क्स। अब यहाँ जरूरी नहीं है आर्क्स ही लिखिए, आपकी चॉइस है ए लिखिए बी या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। अब लेट सम सम वेरिएबल को डिफाइन कर दिया 0 और फोर लूप चला दिया। लेट आई ऑफ आर्क्स, मतलब आर्क्स जो है ना हमारा जो भी आएगा इन फ्यूचर उसको एक्सेस कर लिया और उसका वैल्यू आई में डाल दिया। अब ईच लूप में क्या हो रहा है ना कि प्लस इक्वल टू क्या करता है कि ये अपने आप में आई का वैल्यू डालता जाएगा। मतलब आर्क्स में इमेजिन करिए कि दो वैल्यू आया है, एक वन और टू। तो ये वन और टू को लूप चला रहा है, तो फर्स्ट में आर्क्स में 1,2 होगा इमेजिन करिए, तो फर्स्ट लूप में आई में कितना आएगा 1। तो 1 को किस में डालेगा, सम में। सम में कितना था 0, फर्स्ट टाइम 0 था। अब फिर जब लूप चलेगा तो सेकेंड वैल्यू क्या माना मैंने 2, तो फिर आई में 2 था और सब में अभी अभी 1 डाला था, तो 1 + 2 3 हो गया। तो प्लस इक्वल टू पहले भी हमने बात किए हैं कि जब ये लूप चलता है तो जो हमने वैल्यू वेरिएबल यहाँ बताया है उसका सभी वैल्यू अपने में एड करते जाता है। और लास्ट में हमने कंसोल लॉग देखा। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम लिखा और यही अब फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैं 5,10 डालता हूँ फिलहाल, तो क्योंकि ये रेस्ट पैरामीटर अलाउ कर रहा है ना जितना भी भेजो, तो इसलिए मैंने अभी 2 भेज कर देखा। तो जब ये जाएगा यहाँ पर कंसोल लॉग में क्या दिखाएगा, देखिए 15 आना चाहिए। वैसे रीलोड करते हैं, आ रहा है ना सम इक्वल टू 15, इसका सम इक्वल टू और सब में क्या है 15। और भी भेजते हैं जैसे 1,2,3, अब कितना 15, 16, 18, 21। रीलोड करते हैं, देखिए हो रहा है। तो रेस्ट पैरामीटर मेन यही है कि आर्गुमेंट अनलिमिटेड, कि जितना भी आर्गुमेंट भेजो ये कैच कर लेगा। बट अगर हम फिक्स कर देते तो वो तो फिक्स्ड उतना ही भेजना होता। ऑल दैट आर्गुमेंट दैट वी हैव पास्ड इन द फंक्शन विल मैप टू द पैरामीटर लिस्ट एज स्टेटेड अबव। दूसरा एग्जांपल में भी समझते हैं, ये रॉन्ग है। देखिए सिंटेक्स विल कॉज एन एरर, मतलब आप बीच में ना वो रेस्ट पैरामीटर नहीं दे सकते हैं,
लास्ट में हमें बताना पड़ेगा ना कि एंडलेस है, इंडिफिनिट है। अब यही हमने बोल दिया इंडिफिनिट, फिर लास्ट में एक दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें समझते हैं, जैसे ये एक हमारा एरे है, अब इसमें से हमने डी स्ट्रक्चरिंग, ये देखिए रेस्ट पैरामीटर एंड डी स्ट्रक्चरिंग दोनों एक ही साथ कंबाइंड करके तो ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा? ये तो डी स्ट्रक्चरिंग हो रहा है ना, तो ए बी आर्क्स कलर में से उठाएगा, ये एरे है ना, ये एरे है इसलिए यहाँ एरे लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट की तरह कर्ली ब्रेसेस आता है, तो ए में ब्लैक आएगा और बी में सेकेंड वाला क्या है, पिंक आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है ये सारा, ये किस में चला जाएगा, आर्क्स में। तो वहाँ कंसोल करके हमने देखा हुआ है, एक एक करके देखते हैं। देखिए ए वाला मैंने किया, ए में क्या है, फर्स्ट ब्लैक, बी में क्या होगा, पिंक होगा, है ना, यहाँ पिंक। अब अगर मैं आर्क्स करूँगा तो ए और बी को छोड़कर जो सारा बचा हुआ है ना, ये एरे में ही दे देगा आर्क्स को। क्या आया, सेम नहीं दबाया था मैंने, लेकिन दिया है ना, ये जो बचा उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक किस में दे दिया, आर्क्स में। तो यही है, तो रेस्ट पैरामीटर क्या समझे कि इंडिफिनिट आर्गुमेंट अगर हमें अलाउ करना है तो ट्रिपल डॉट के साथ लगा देंगे। ट्रिपल डॉट उसमें भी था, स्प्रेड ऑपरेटर, बट इसका अलग मीनिंग है ना, ये एरे को मर्ज करने के लिए, मर्ज के साथ साथ कुछ और वैल्यू उसमें डालने के लिए। अब आते हैं क्लासेज में। देखिए जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं ना, जैसे PHP, जावा, C++, तो वो लोग को ये डिटेल में टॉपिक किए रहते हैं काफ़ी सारा, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल में होता है, और यहाँ हम समझते हैं डायरेक्ट, अगर पहले से नहीं पता है तो डायरेक्ट हम यहाँ समझते हैं। पहले लिखा है, देखिए एक बार पढ़ते हैं। क्लासेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेज आर यूज टू डिफाइन द ब्लूप्रिंट फॉर अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एंड ऑर्गेनाइज द कोड इनटू रीयूजेबल लॉजिकल पार्ट। अब ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा, इससे यहाँ एक नोट पैड बनाता हूँ। अब इमेजिन करिए एक वेबसाइट में ना, अलग अलग जो काम होता है, सिंपल काम जैसे यूजर रजिस्टर होना, यूजर लॉग इन होना, यूजर का लॉग आउट होना। अब और काम क्या हो सकता है, सपोज ई कॉमर्स में एड टू कार्ट है ना, ईमेल भेजना, सेंड ईमेल। तो जो अलग अलग काम है ना, वो क्यों ना ग्रुपिंग करके हम सेपरेट कोड रखें ताकि उसको रीयूज कर पाए। अब जैसे ये जो रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट होना, वो किससे रिलेटेड काम है, यूजर से रिलेटेड काम है ना, तो उसको हमने ग्रुप कर दिया यूजर। अब एड टू कार्ट करना या रिमूव कार्ट करना, वो किससे रिलेटेड चीज़ हो गया, कार्ट से रिलेटेड चीज़ हो गया। अब ये ईमेल भेजना, ये और भी ईमेल होता है वेबसाइट में भेजने के लिए, कि न्यू रजिस्टर ईमेल, अलग अलग ईमेल, एडमिन ईमेल, तो वो रख लीजिए ईमेल में, इमेजिन करिए। तो जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, कि अलग अलग टास्क को हमने एक ग्रुप कर दिया, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब इसमें एडिट करना पड़े, हमें मैनेज करना पड़ेगा जब प्रोजेक्ट को, तो हमें पता है कि ये जो काम है, अगर लॉगिन में हमें कुछ चेंज करना है तो लॉगिन यूजर से रिलेटेड होगा, तो यूजर में जाएंगे और मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसी पर्पस के लिए क्लास बनाया गया है, कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये ग्रुप नेम, तो यही है बेसिकली क्लास का नाम। और ये क्लास का नाम बनाकर
फिर इसको हम फंक्शन, एज अ फंक्शन बोलेंगे, या मेथड, मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बता रखा है, इसी को मैं समझाता हूँ। जैसे अब मैंने जो एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में अगर जाते हैं तो क्लास यूजर, अब यहाँ ना देखिए ये ब्रैकेट नहीं लगा है, ऐसे नहीं है, इसमें डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद जो जो आपको फंक्शन बनाना है, तो जैसे फंक्शन लॉग इन, एक फंक्शन हो गया, ठीक। दूसरा फंक्शन रजिस्टर, ये कर्ली ब्रेसेस हो गए। तो जितना भी आपको यूजर से रिलेटेड काम करना है, वो सब क्लास यूजर के अंदर एज ए फंक्शन बनते जाएगा, है ना। तो यहाँ एनिनोमियस फंक्शन बना रखा है, मतलब नहीं एनिनोमियस नहीं, ये जो है ना फंक्शन, ऐसे जावा स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है, दूसरे प्रोग्रामिंग में तो लिखते हैं, जैसे पीएचपी में हमें हैबिट है ऐसे फंक्शन लिखने का, बट जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन बना हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर पहले इसका यूज करते हैं, इसको समझाने के लिए सिंपल सा अभी चलते हैं ताकि समझ आए। जैसे ये कंस्ट्रक्टर थोड़े देर में बताऊंगा, पहले ये देखिए, स्पीक एक फंक्शन है या मेथड बोलिए, उसके अंदर कंसोल लॉग स्पीक किया हुआ है। अभी का पर्पस है कि सिंटेक्स समझना, इसलिए कुछ कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्लास बन गया ना, इमेजिन करिए कहीं दूसरे फाइल में रखा हुआ है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, दूसरे फाइल में रखते हैं, अब उसको यूज करते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं यही छोड़ दे रहा हूँ और यूज करता हूँ। तो यूज कैसे किया जाता है ना, कि जो क्लास का नाम है उसमें न्यू कीवर्ड लगाया जाता है। देखिए न्यू क्लास का नाम, और अगर आर्गुमेंट चाहिए तो आर्गुमेंट भेजेंगे, नहीं तो ऑप्शनल होता है। तो मैं कॉन्स्ट कोई भी वेरिएबल का नाम लिखिए, वो बताऊंगा अभी, वो ऑब्जेक्ट बनता है। कॉन्स्ट एसटीयू न्यू, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो इसको बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट बना रहा, क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास। तो सिंटेक्स क्या हो गया कि यहाँ एक नाम दीजिए, वो ऑब्जेक्ट होगा, और न्यू उसके बाद क्लास का नाम। तो मतलब आपने ना इस क्लास को ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया। अब जो भी अंदर का फंक्शन हमें निकालना है, या वेरिएबल प्रॉपर्टी जो होते हैं इन फ्यूचर बोलेंगे, वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट का नाम है ना, ये है ना ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट उसके बाद फंक्शन का नाम, ऐसे एक्सेस करते हैं। अब ब्राउज़र में देखूंगा अगर, तो स्पीक अगर कॉल होगा तो कंसोल में आएगा ना ये, या कुछ और डाल देता हूँ, एबीसी स्पीक, रीलोड करते हैं, हमने डाला टेस्ट में, देखिए आ रहा है। एक बार और सिंपली बताता हूँ, जब क्लास नहीं था हमारे पास, सिर्फ फंक्शन होते थे, तो कैसा था, ऐसा था ना ये फंक्शन, और नॉर्मल तो लिखते थे जावा स्क्रिप्ट में, विदाउट क्लास तो फंक्शन लिखते थे ना। अब उसको कॉल कैसे करते थे, डायरेक्ट इस टाइप से, फंक्शन का नाम डाला, बस हो गया कॉल, अभी भी वही आएगा, देखिए आ रहा है। बट क्लास के में क्या बेनिफिट है, कि एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन रखकर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना, कंबाइन कर सकते हैं। तो क्लास आया, क्लास के अंदर अभी फिलहाल एक ही फंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो अब क्लास के अंदर से फंक्शन को निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यहाँ ये जो आपको चॉइस है, वेर लेट या कॉन्स्ट, हमने
बात किया था पहले ही कि जो हमें चाहिए ये यहाँ डालेंगे, उसके बाद न्यू, उसके बाद क्लास का नेम। तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर का फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं। अब समझते हैं ना एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ ये जो फंक्शन ही बनेगा वो ऐसे कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर। और अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो ले लीजिए ये, इसमें क्या लिखा है, नेम, और दिस डॉट नेम में नेम। अभी सिंपली चलते हैं। ये एग्जांपल इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो नेम है, नेम हमें डिफाइन करना होगा। यहाँ डिफाइन कर देते हैं बिहार, यूजर नेम, वेरिएबल का नाम अलग अलग दे देता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर में अगर हम नाम लेंगे तो उसको दिस, यूजर नेम में नेम डाल देंगे। अब यहाँ अगर मैं दिखाना चाहूँ, दिस यूजर नेम, देखिए कंस्ट्रक्टर पहले समझिए कि कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बना ना तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बना क्लास का, तो वैसे ना ये कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो कॉल हो जाएगा तो उसको समझाने के लिए मैं ये कर रहा था, एक पैरामीटर दे दीजिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पास किया कुछ भी नाम से, जैसे रोहन। तो ये इमेजिन करिए कि जब ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर है और पैरामीटर भी भेजा, तो नेम में क्या चला गया, रोहन। अब इसने क्या किया कि जो वेरिएबल एक रखा हुआ है ना यूजर नेम नाम से, उसमें ये वाला नेम डाल दिया। तो जब हमने स्पीक को कॉल किया था तो स्पीक में क्या दिखाना चाहिए कि जो डला था ना उस वेरिएबल में यूजर नेम नाम से, जो यहाँ से भेजा वो दिखाना चाहिए। चेक करते हैं सिंटेक्स, क्योंकि हमें ना आदत है पीएचपी में ज़्यादा ये करना, जावास्क्रिप्ट में देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर 5 में ये वाला, तो इसका मुझे डाउट हो रहा था। क्लास के अंदर है ये बेसिकली, भैर यूजर नेम। ये क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर जाएगा ये। क्लास के अंदर से फंक्शन फंक्शन होंगे। तो वेरिएबल अगर हमें डिक्लेयर करना है तो क्लास से ऊपर ही डिक्लेयर करिए, वेयर यूजर नेम। तो ये वेयर यूजर नेम डिक्लेयर हुआ, और दिस डॉट यूजर नेम मतलब कि इसी में से जो यूजर नेम है उसमें ये नाम डाल देगा, और यहाँ पे एक्सेस हो गया ये। अब कंस्ट्रक्टर और सिंप्लीफाइड करता हूँ इसको कि समझ आए। ये सब वेरिएबल वगैरह हटा दिया मैंने, अभी पैरामीटर भी हटा देता हूँ। अब जैसे ऑब्जेक्ट बना तो बताया, अगर कंस्ट्रक्टर है तो चलेगा। तो टेस्ट करते हैं इसको कोई कंसोल डालकर, कंसोल डॉट लॉग, आई एम फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो अगर ये दिखाएगा मतलब
फंक्शन कॉल हो रहा है, ये आ रहा है ना, आई एम फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। यहाँ कोई सेपरेट इसको कॉल नहीं किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर होता है इसी पर्पस के लिए कि जैसे ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का, तो क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अपने आप कॉल हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे काम दिया जाता है, जैसे इनिशियलाइजेशन का जो पर्पस है ना, जो काम होता है वो कंस्ट्रक्टर में किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाएंगे लेटर ऑन, तो उसमें सब आएगा। अब इनहेरिटेंस में आते हैं। बिफोर द ESX द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड सेवरल स्टेप्स, बट ESX सिंप्लीफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस बाई यूजिंग द एक्सटेंड एंड सुपर कीवर्ड। मतलब क्लियर है कि ES6 नहीं था उससे पहले, कॉम्प्लिकेटेड था ये जावा स्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस है क्या, कि कॉन्सेप्ट क्या है ना, यहाँ समझाता हूँ। जैसे सिंपल एक एग्जांपल दिया जाता है कि पेरेंट्स का जो भी स्किल है, फादर मदर का, तो उसके चाइल्ड में कुछ उसका आता है ना स्किल्स, कॉपी हो जाता है, कलर हाइट वगैरह ये सब कलर हो जाता है। तो सेंस यही है कि एक ना मेन क्लास होता है, बड़ा सा क्लास, पेरेंट्स क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, और उसी में से ना कुछ हमें डेटा एक्सेस करना है, तो चाइल्ड क्लास बनाया जाता है। कि एक सुपर क्लास रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा, उसमें से जिसको जिसको एक्सेस करना है ना, वो सब चाइल्ड क्लास बनेंगे। ये प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस कैसे बनता है, यूज स्ट्रिक्ट डाला गया है इसमें। क्लास स्टूडेंट बना, कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर लिया ए, और दिस डॉट नेम में ए डाल दिया। तो फिर हमें नेम डिफाइन करना होगा ऊपर, वेयर नेम। ये एक क्लास है ना, देखिए अलग अलग समझिए कि ये एक क्लास ख़त्म हो गया, ये दूसरा क्लास है, यहाँ तक है। अब ये क्लास यूजर एक्सटेंड स्टूडेंट ये लगाने से ये चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड क्लास। देखिए इसका नाम क्या था, स्टूडेंट। अगर ये नहीं डलता है ना, तो ये भी सेपरेट एक क्लास है, वो भी एक क्लास है, बट जैसे मैंने यहाँ एक्सटेंड्स और दूसरे क्लास का नाम डाला, तो मतलब क्या है कि इस क्लास का भी ना वो एट्रीब्यूट, मतलब फंक्शन या वेरिएबल कॉल कर सकता है। तो कैसे चेक करते हैं, इसके अंदर फंक्शन है सो, और द स्टूडेंट नेम इज दिस डॉट नेम। तो इसके पास नेम नहीं है ना, नेम किधर है, ऊपर में है, ऊपर में है, तो यही पता होगा। देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया STU नाम से, न्यू यूजर, यूजर तो यही है, और इसमें भेजा हमने राहुल। तो राहुल नॉर्मली इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है इसको कैच करने के लिए, नहीं है, बट ये एक्सटेंड हो रहा है ना पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास में जाकर देखिए, यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर, तो ये ए में चला गया राहुल, है ना, और नेम में डाल दिया उसको राहुल। तो अब यहाँ उसको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि उसमें डल चुका है ना ये, देखिए आ रहा है, द स्टूडेंट नेम इज राहुल। तो इनहेरिटेंस यही है कि कोई क्लास को अगर हमें उस एक्स दूसरे क्लास में एक्सटेंड लगा देंगे, तो ये चाइल्ड क्लास बन गया और उसको पेरेंट क्लास समझेंगे। पेरेंट क्लास वो हो गया ये वाला, और ये चाइल्ड क्लास हो गया जिसमें एक्सटेंड्स और क्लास का नाम लगा हुआ है। अगर ये हटा देंगे तब तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। रीलोड करते हैं, देखिए अनडिफाइंड बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना, पैरामीटर भेजा, बट ये क्लास
कंस्ट्रक्टर है भी नहीं पैरामीटर लेने के लिए, और दिस डॉट नेम वेरिएबल इसके पास है भी नहीं, इसलिए बोल दिया। तो ये है इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट। अब मॉड्यूल समझते हैं। देखिए, मॉड्यूल आर द पीस ऑफ और चंक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड रिटेन इन अ फाइल। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल हेल्प अस टू मॉड्यूलाइज द कोड सिंपली बाय स्प्लिटिंग द इंटायर कोड इनटू सेपरेट फाइल दैट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर। तो सिंपली ऐसे समझिए कि अलग-अलग जो हमारा टास्क होगा ना जावास्क्रिप्ट में, तो अलग-अलग टास्क के लिए हम सेपरेट सेपरेट फाइल बना लेंगे और जहाँ जहाँ उसको चाहिए हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो कंसेप्ट यही है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मीन्स कि अलग अलग लॉजिक के लिए जो जो काम है, जैसे किसी को लॉग इन का काम है तो लॉग इन एक सेपरेट फाइल बना लिया, अब वो उसको मॉड्यूल कहेंगे। किसी को रजिस्टर करवाना है तो उसका कोड अलग फाइल में डाल दिया, वो एक सेपरेट मॉड्यूल हो गया। ओटीपी भेजना है तो ओटीपी भेजने का जो कोड है वो सेपरेट फाइल में रखा, वो भी एक मॉड्यूल हो गया। तो मॉड्यूल मेक इट इजी टू मेंटेन द कोड, है ना, डिबग द कोड, क्योंकि सेपरेट रहेगा तो हमें हैंडल करना आसान होगा ना, जब जिसकी ज़रूरत पड़े उस फाइल में जाएंगे और एडिट कर पाएंगे। टू यूज मॉड्यूल सेपरेट फाइल देर हैव टू मेंशन एक्सपोर्ट कीवर्ड। अभी बनाएंगे तो पता होगा कि जो भी फाइल में हमें डाल देंगे ना कोड, और एज ए मॉड्यूल यूज करना है तो लास्ट में हम उसको एक्सपोर्ट लगाएंगे। अभी पता होगा कोडिंग करेंगे, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल। पहले एक्सपोर्टिंग अ मॉड्यूल में करते हैं। जावास्क्रिप्ट अलाउ अस टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लासेज एंड प्रिमिटिव वैल्यूज बाई यूजिंग द एक्सपोर्ट कीवर्ड। और यहाँ है प्रैक्टिकल, पहले ये पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल, टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी नीड टू यूज द इम्पोर्ट कीवर्ड। द वैल्यू विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्टेड बाई यूजिंग द इम्पोर्ट कीवर्ड। मतलब जो एक्सपोर्ट किए रहेंगे ना, इमेजिन करिए जिस फाइल में, तो उसको यूज करना है जहाँ पे, वहाँ इम्पोर्ट लगाएंगे। वी कैन इम्पोर्ट द एक्सपोर्टेड वेरिएबल फंक्शन क्लासेज इन अनदर मॉड्यूल। टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी सिंपली हैव टू स्पेसिफाई देयर पाथ। अब यहाँ समझते हैं। देखिए, एक नया फाइल बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल स्टूडेंट डॉट जे एस। ये 14 का ना मैंने एक बना रखा है पहले से, तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट डॉट जे एस यहाँ बना हुआ है। अब इसमें मैंने बताया हुआ है कि पुट बिलो कोड एक्सपोर्ट क्लास स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर दिस डॉट नेम ए। क्लास स्टूडेंट हो गया, कंस्ट्रक्टर बना और दिस डॉट नेम में ए रखा और लास्ट में एक्सपोर्ट डाल दिया। तो ये रूल है मॉड्यूल बनाने का कि जो भी आपको काम करना है वो तो करिए, उसके बाद लास्ट में उसको एक्सपोर्ट करिए। तो ये क्लास है ना स्टूडेंट, तो एक्सपोर्ट स्टूडेंट होना चाहिए ऐसे। उसके बाद दूसरा फाइल बनाएंगे यूजर डॉट जे एस और ये डालेंगे। तो पहले ये समझिए, देखिए मुझे इसमें वो वाली मॉड्यूल को कॉल करना है, स्टूडेंट डॉट जे एस को इसमें कॉल करना है। तो इम्पोर्ट, और जो एक्सपोर्ट हुआ था ना ये स्टूडेंट, वो आ गया, और फ्रॉम के बाद पाथ आ गया। कि डॉट स्लैश क्यों है, कि इसी में रूट फोल्डर में ही है, कि जो ये हमारा फोल्डर है वहीं पे है ना ये स्टूडेंट, तो डॉट स्लैश स्टूडेंट। तो ये पाथ हो गया, रिलेटिव पाथ विथ नो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी नहीं लगा हुआ है ऐसे, देखिए नहीं लगा है। तो यही है इम्पोर्ट, कि जो मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हो गया सेपरेट फाइल, इसको मुझे यूज करना है तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट नाम में डाला है वो डालेंगे और फ्रॉम के बाद उसका पाथ। अब इसमें देखिए, ये दूसरा काम हो रहा है कि क्लास यूजर एक्सटेंड स्टूडेंट, क्योंकि वो कॉल हो गया है ना तो उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। इनहेरिटेंस वाला टॉपिक कि अभी चाइल्ड क्लास हो गया। अब दूसरा फंक्शन बना सो कंसोल लॉग में द स्टूडेंट नेम इज दिस डॉट नेम।
अब ये दिस डॉट नेम इसके पास नहीं है, वो समझ आएगा उधर से आ रहा है। एक्सपोर्ट यूजर, इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमने डाल दिया। अब इंडेक्स डॉट जे एस फाइनली बनेगा यहाँ पे है, और पुट बिलो। अब इंडेक्स में क्या हो रहा है, देखिए इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर, ये वाला इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बने यहाँ पे, कमेंट में डाल देता हूँ क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना एसटीयू नाम से, न्यू यूजर, क्लास का नाम हो गया यूजर, और उसमें हमने भेजा पैरामीटर राहुल। तो इसमें आइए, क्या भेजा हुआ है, राहुल। तो इसके पास नहीं है ना कंस्ट्रक्टर, बट ये एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट से, तो ऑफ कोर्स उसमें गया है। अब इसमें जाकर देखिए यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर है, तो जो आया पैरामीटर राहुल वो किस में डाल दिया, नेम में डाल दिया। अब सो फंक्शन अगर कॉल करेंगे, कॉल कहाँ से होगा, यूजर से। तो ये वाला जब कॉल होगा तो दिस डॉट नेम में क्या डाल दिया था, राहुल डाला था, इधर डाला था ना, बट ये एक्सटेंड हो रहा है उससे, तो मिल जाएगा यहाँ भी, तो निकल जाएगा। इसको आउटपुट चेक करते हैं। अब ये डायरेक्ट जेएस जेएस है, एचटीएमएल में डालते हैं या रिएक्ट में डालते हैं तो ये ठीक से पता होता है वहाँ पे। रिएक्ट जब हम करेंगे तो वहाँ पे डालकर हम चेक कर लेंगे, वहाँ मॉड्यूल बहुत सारा बनेगा। अभी ये समझने के लिए ऐसा ही है, इसको एक बार समरी करते हैं। देखिए कि मॉड्यूल का मतलब क्या है, कि सेपरेट कोड को हमें अलग अलग फाइल में रखना है, अलग अलग लॉजिक वाला अलग, है ना, जिसका पर्पस अलग होगा, सेपरेट होगा, उसको हम सेपरेट फाइल में रखेंगे। जैसे स्टूडेंट डॉट जे एस में मैंने रखा और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये एक फाइल मॉड्यूल हो गया, एक्सपोर्ट किया है। तो अब जहाँ मुझे यूज करना है वहाँ उसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ जो पर्पस है हमारा, जो काम है वो किया मैंने, एक दूसरा क्लास बना दिया, एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट से जो इंपोर्ट होकर आया है, और सो फंक्शन कॉल कर दिया हमने दिस डॉट नेम। अब इंडेक्स डॉट जे एस बनाया, इंडेक्स डॉट जे एस में मैंने किसको इंपोर्ट किया, यूज़र को, ये वाला यूज़र है ना। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यूज़र में राहुल भेजा, तो राहुल पहले जाएगा यूज़र में, यूज़र में यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट यहाँ जाकर देखेंगे कि जिससे एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में गए तो यहाँ कंस्ट्रक्टर है, तो ए में डाल देगा राहुल, और इसने क्या किया कि नेम वेरिएबल में उसको डाल दिया। तो जब सो फंक्शन कॉल होगा तो सो फंक्शन ने उसी नेम को पिक कर लिया जो वहाँ डाला था। तो मॉड्यूल समझने के लिए ये तीन फाइल बना था, और रिएक्ट में डालकर इसको हम फ्यूचर में टेस्ट कर लेंगे, या रिएक्ट का सारा क्लास मॉड्यूलाइज ही होगा, सब सेपरेट फाइल बनेंगे और उसी से यूज होता रहेगा। तो अब इसमें ना नेम्ड एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स, उसी का टॉपिक है। एक्सपोर्टिंग अ मॉड्यूल जावा स्क्रिप्ट अलाउ अस टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास, अभी हमने देखा ही था। तो एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, तो नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, द एक्सपोर्ट दैट आर डिस्टिंग्विश्ड विद देयर नेम आर कॉल्ड नेम्ड एक्सपोर्ट, कि नेम से ही वो डिस्टिंग्विश्ड होता है। वी कैन एक्सपोर्ट मल्टीपल वेरिएबल इन फंक्शन बाई यूजिंग देयर नेम्ड एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए क्लास नोकिया है, प्रॉपर्टी मेथड जो भी होगा, तो एक्सपोर्ट नोकिया किया, तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट है कि बिल्कुल उसका नाम डाल दिया हमने क्लास का। और नेम्ड एक्सपोर्ट इन फंक्शन कैसे होगा, कि जैसे अगर फंक्शन है आपके पास, फंक्शन सो नाम से, एक्सपोर्ट उसको शो किए, तो फंक्शन का नाम डाल दिया, ये भी नेम्ड एक्सपोर्ट है।
वेरिएबल में समझते हैं कि कॉन्स्ट ए 10 डाला और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये भी नेम्ड एक्सपोर्ट है। वी कैन ऑल्सो अप्लाई मोर देन वन नेम्ड एक्सपोर्ट इन अ मॉड्यूल, जैसे एक्सपोर्ट नोकिया क्लास हो गया। सो फंक्शन हो गया, इस टाइप से समझिए, क्लास फंक्शन वेरिएबल। बाय चांस सपोज हमारे एक ही फाइल में ना क्लास भी है और फंक्शन भी है और वेरिएबल भी है। अब हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो पहले ये तो अलग-अलग यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो नेम्ड हो गया। अब मेरी इस फाइल में तीन चीज़ें हैं, क्लास है, फंक्शन है और वेरिएबल भी है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट नोकिया मतलब ये क्लास एक्सपोर्ट हुआ और ये फंक्शन भी एक्सपोर्ट हो गया। अब जो इसको यूज करेंगे वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या कहता है कि वन कैन हैव ओनली वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पर फाइल। व्हेन वी इंपोर्ट वी हैव टू स्पेसिफाई अ नेम एंड इंपोर्ट, मतलब एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे क्लास नोकिया है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नोकिया। अब ये मल्टीपल ना करके, ये मल्टीपल हो रहा है ना, ये अगर क्लास नोकिया है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नोकिया, तो सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट किया। अब जो उसको यूज करेंगे इंपोर्ट करेंगे मतलब उसको, तो नेम्ड वाले एक्सपोर्ट को ऐसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नोकिया कॉमा सो, तब बताया था वहाँ पे कि अलग अलग था, तो उसको अलग अलग नाम से डालकर इंपोर्ट कर लेंगे। और डिफ़ॉल्ट वाले को करना है तो इंपोर्ट नोकिया फ्रॉम उसका पाथ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है, तो जो डिफ़ॉल्ट से बना हुआ है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको हम ऐसे यू इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट उसका नाम फ्रॉम पाथ। और जो अगर नेम्ड से है ऐसे एक्सपोर्ट नोकिया कॉमा सो, उसको हम ऐसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी एक ऑप्शन है कि गिविंग अ नेम्ड इंपोर्ट और डिफरेंट नेम बाय यूजिंग एज, मतलब जो यूजर से अगर मेरा यूजर का क्लास इंपोर्ट हो रहा है ना, बट यहाँ पे मैं नाम दूसरा देना चाहता हूँ, तो उसका एज लगाकर नाम दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज यूजर में अगर यूजर क्लासिक बना हुआ है तो उसी नाम से यहाँ पे आ गया ना, बट मैं चाहता हूँ इस फाइल में जो ये फाइल यूज करेगा वहाँ पे दूसरा नाम इसका दे दो, तो एज लगाकर दूसरा नाम दे देंगे। रीनेम टाइप का हो गया कि यहाँ इंपोर्ट हुआ बट अब यहाँ इस नाम से चलेगा, न्यू यूजर नाम से चलेगा, ये बात है। ये चीज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट डॉट जे एस फाइल, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई कंपोनेंट, एग्जाम्पल है एरो फंक्शन की तरह। इंपोर्ट ऑल द नेम एक्सपोर्ट ऑन वन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये अलग अलग इंपोर्ट हुआ एक्सपोर्ट हुआ है माई कंपोनेंट में, अब इंपोर्ट ऑल द नेम्ड एक्सपोर्ट ऑन टू वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट स्टार एज मेन कंपोनेंट्स फ्रॉम माई कंपोनेंट। मतलब क्या है कि ये जो माई कंपोनेंट में कितने एक्सपोर्ट है, दो है ना, दो एक्सपोर्ट है। अब हम चाहते हैं सभी को एक ही बार में इंपोर्ट कर दें, तो स्टार लगा और उसका नया नाम हमने दे दिया मेन कंपोनेंट, और कहाँ से निकला, माई कंपोनेंट से, तो वहाँ जितने भी एक्सपोर्ट हुए हैं वो सब स्टार के अंदर आ गया। अब इसको और नाम क्या दे दिया, मेन कंपोनेंट। अब इसको यूज करना है तो ये नाम डॉट माई कंपोनेंट, तो ये वाला मिल जाएगा, और फिर
नाम डॉट माई कॉन माई कंपोनेंट टू, तो फिर ये वाला एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ना सिंटेक्स टाइप का चीज़ें समझा है, अब इसी का सब यूज होगा रिएक्ट में, तो वहाँ यही सब आएगा, यही टॉपिक सब खुलेगा वहाँ पे प्रैक्टिकली। तो वहाँ प्रैक्टिकली अभी करने से पहले हमने यहाँ सिंटेक्स क्लियर कर लिया, ताकि जब हम वहाँ काम करेंगे तो ये सब फिर क्यों ऐसा चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम ये सब क्या है, वहाँ कन्फ्यूज़न ना आए, यही क्लियर होना चाहिए। तो यही टॉपिक था नेम्ड एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स का। तो ES6 में हमारा इतना ही है अभी।